गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 1। हमने लास्ट टाइम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखे थे और हम चार क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रांसफर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। हमको केमिकल स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, उसको पहले हमको केमिकल इक्वेशन में चेंज करना है और उसके बाद बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन से कंबाइन करो टू फॉर्म अमोनिया, क्या बनेगा? NH3 बनेगा। और उसको क्या करना है? आपको बैलेंस करना है, ठीक है। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस को हमने क्या किया, नाइट्रोजन से कंबाइन किया और अमोनिया बना। तो H2 हाइड्रोजन गैस के लिए H2, अमोनिया के लिए N2, और क्या बना हमारा? अमोनिया बना NH3, नाइट्रोजन के लिए N2 और NH3 बना। तो हम यहाँ पे पहले देखेंगे कि नाइट्रोजन हमारा प्रोडक्ट में 1 है और रिएक्टेंट कितना है? 2 है। तो हमको इक्वल करना है, तो हम इसको 2 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों साइड क्या हो गया? 2 हो गया। अब हमने जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो आगे 2 होता है वो हाइड्रोजन के लिए भी चेंज हो गया। 2 3 जो हाइड्रोजन कितना होगा? 6। यहाँ पे कितने? ओनली 2। तो हमको यहाँ पे भी 6 बनाना है। जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 2 6। इस तरीके से हमारा देखो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हो गए? 6, 3 2 6। और प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 2 6, ठीक है। अब नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन हमारे रिएक्टेंट में कितना है? 2, और प्रोडक्ट में भी कितना है? 2। तो ये हमारी रिएक्शन कैसी है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यानी H2S गैस को जब हम ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? SO2। अब हम इसमें देखो रिएक्शन इक्वेशन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। हाइड्रोजन हमारे रिएक्टेंट में कितने हैं? 2 2 4, और प्रोडक्ट में भी कितने हैं? 2 2 4। इसके अलावा हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे सल्फर कितने हैं? 2 ओनली कितने हैं? 2 रिएक्टेंट की साइड, और प्रोडक्ट की साइड भी सल्फर कितने हैं? 2। अब हम ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन हमारे कितने हैं रिएक्टेंट की साइड? 3 2 6, और प्रोडक्ट की साइड ऑक्सीजन कितने हैं? 2 2 4, एंड ये जो 2 है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो ये हमारी रिएक्शन इक्वेशन कैसे होगी? बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि जितने इधर रिएक्टेंट की साइड है उतने ही प्रोडक्ट की साइड होने चाहिए। देखो मैं आपको काउंट करके बताती हूँ, पहले हम हाइड्रोजन रिएक्टेंट की साइड देख रहे हैं, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 2 4, और प्रोडक्ट की साइड हमारे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 2 4। अब हम रिएक्टेंट की साइड क्या देखेंगे? सल्फर देखेंगे, सल्फर कितने हैं? 2 1 2 ओनली 2, और प्रोडक्ट की साइड भी सल्फर कितने हैं? देखो 2, ओके। तो ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन देखेंगे हम लोग 3 2 6 रिएक्टेंट की साइड, और प्रोडक्ट की साइड हमारे ऑक्सीजन कितने हैं? 2 2 4 एंड 2, तो 2 प्लस 4 इक्वल टू कितने हो गए? 6। तो यहाँ पे भी 6 हो गए, यहाँ पे भी 6 हो गए। तो हमारे एलिमेंट जितने रिएक्टेंट की साइड थे उतने ही क्या हो गए? प्रोडक्ट की साइड हो गए। हमारे केमिकल इक्वेशन का मास क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन कैसे होगी? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और है इसके। थर्ड क्वेश्चन इज, बेरियम फ्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम फ्लोराइड के लिए हम लिखते हैं BaCl2। बेरियम फ्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है AlSO4 का होल फ्राइज, ठीक है। जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या हो रहा है? टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट के लिए BaSO4 ये बना हमारा, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अब हम इसके एलिमेंट्स देखते हैं, रिएक्टेंट की साइड बेरियम 1 है, प्रोडक्ट की साइड बेरियम कितना है? 1। रिएक्टेंट की साइड क्लोराइड देखो 2, प्रोडक्ट की साइड कितने हैं? 3। तो रिएक्टेंट की साइड 2 है और प्रोडक्ट की साइड 3 है, तो हम क्या करेंगे इसको बनाने के लिए कि दोनों बराबर हो जाए? तो इधर भी 6 हो सकते हैं और रिएक्टेंट की साइड भी 6 हो सकते हैं। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 जा कितने हो जाएंगे? 6। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? 3 से, तो 3 2 जा 6, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अब जब हमने यहाँ पर हमारा क्लोरीन बैलेंस हो गया, क्लोरीन कितना हो गया? 3 2 जा 6, और इधर भी कितना हो गया? 3 2 जा 6। तो यहाँ पर जब हमने 2 को ऐड किया तो एल्यूमिनियम चेंज हो गया, एल्यूमिनियम कितना हो गया? 2, और यहाँ पर कितना है? 1, तो इसके आगे हमने क्या कर दिया? 2 लगा दिया। जब हमने Cl को यहाँ पे बैलेंस किया था तो यहाँ पे बेरियम चेंज हो गया था, कितने हो गए थे? 3, और इधर कितने?
पोटेशियम के लिए तो के और हाइड्रोक्साइड को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, OH, KOH एंड हाइड्रोजन. हाइड्रोजन गैस के लिए H2. ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करना है. पोटेशियम कितने हैं यहाँ पर, पहले हम लोग हाइड्रोजन को देखते हैं. हाइड्रोजन इधर रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में कितने 2 और 1 3. तो हम लोगों को क्या करना होगा, बराबर करना होगा. तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 को ऐड करते हैं, 2 2 4, और यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 1 4 2 और 2 4. तो हमारे दोनों तरफ क्या हुआ है, 4 हो गए. ठीक है, और पोटेशियम जब हमने यहाँ पे 2 को हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 4 किए थे, तो यहाँ पे पोटेशियम चेंज हो गया. पोटेशियम कितने हो गए, 2, और यहाँ पर कितना है 1, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब हम हमारे एलिमेंट्स देखते हैं. 2 पोटेशियम कितने इधर, 2 इधर भी कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन 2 2 4, और इधर हाइड्रोजन 2 और 2 1 2, 2 और 2 कितने हो गए, 4. ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 2 और इधर भी ऑक्सीजन 2. तो हमारी इक्वेशन कैसी होगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन. आज हमने इसके 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कल हम नेक्स्ट 6 क्वेश्चन इसका करेंगे. तो ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी होगी. थैंक यू.